स्वागत है हमारे आज के इस लेक्चर में। आज हम जानेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो इसी के चलते हम जानते हैं, चलिए, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो पहले तो हम चलते हैं कि भारत का स्वरूप कैसा है। सबसे पहले हम ये जानते हैं, तो सबसे पहले भारत का स्वरूप हम इस तरीके से जानते हैं कि भारत का जो बाहरी स्वरूप है, ठीक है, इस साइड में जो है इसके पर्वतीय इलाका है, ठीक है, 6 भागों में इसको बांटा गया। पहले क्या है, पर्वतीय इलाका, फिर आता है मैदानी भाग, मैदानी भाग के बाद ये प्रायद्वीपीय पठार आता है, प्रायद्वीपीय पठार के बाद यहाँ तक आ गया, प्रायद्वीपीय पठार के बाद यहाँ पे आती है तटरेखा, तटीय स्थल, ठीक है, तटीय स्थल के बाद यहाँ पे आता है मरुस्थल, मरुस्थल के बाद इधर साइड में ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आता इधर साइड में अंडमान निकोबार, ये दिख रहा है आपको, और इस साइड में आता है हमारा लक्षद्वीप। तो ये हो गए हमारे द्वीपी द्वीपी भाग, ठीक है। इस तरीके से भारत को 6 भागों में बांटा गया है। और इसी के चलते हम जानते हैं कि जो कि भारत को कितनी हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया। भारत को हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहला कौन सा आता है, ट्रांस हिमालय, जो भारत का बाहरी भाग माना जाता है, जिसको ट्रांस हिमालय पहला आता है। इसमें ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को हम बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है वृहद या महान हिमालय, महान हिमालय के बाद आता है हमारा लघु हिमालय, लघु हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय, शिवालय के हिमालय, इनके हिमालय के भाग है। इसमें हम जानते हैं सबसे पहले कि हिमालय के भागों में कौन कौन सी कहाँ पर चोटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वृहद हिमालय के भाग हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और जास्कर, इसके जास्कर और पीर पंजाल, इसे 4 श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है। इस पहली जो इनके अंदर दर्रे पाए जाते हैं, कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, श्रीनगर और पीओके के बीच में, पाक और कश्मीर के बीच में कौन सा दर्रा है, बुर्जिलो दर्रा है। फिर आता है श्रीनगर और जम्मू के बीच में कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। बनिहाल के बाद आता है हमारा जम्मू और लद्दाख के बीच में कौन सा दर्रा है, तो वो आता है जोजिलो दर्रा। और लद्दाख और चाइना के बीच में जो हमारा के बीच में कौन सा दर्रा है, उसे बोलते हैं काराकोरम दर्रा, ठीक है। इस तरीके से हम दर्रों के बारे में जानते हैं। और हम जानते हैं कि ग्लेशियर, इनमें 5 ग्लेशियर हैं, तो 5 ग्लेशियरों के नाम इस प्रकार है। सबसे पहला आता है सियाचिन, सियाचिन सियाचिन हिस्पर, सियाचिन हिस्पर बाल्टोरो व्यापो, ये है इसमें ग्लेशियर, ठीक है। तो अब हम जान चुके हैं कि भारत की पर्वत श्रेणियाँ कैसी हैं, भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में हम जान चुके हैं। इसके अंतर्गत अभी हम और भी चीज़ें जानेंगे, तो आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं भारत को कितने भागों में बांट, इस पहले तो हमने जान लिया ट्रांस वृहद लघु और शिवालिक, ये तो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर मापा गया है। अब हम जानते हैं कि नदियों घाटियों के आधार पर इसे किस प्रकार बांटा गया। सिंधु सतलज के बीच में कौन सा आता है, वो कौन सा हमारा पंजाब, पंजाब हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है, जो हिमाचल प्रदेश में है उसे हिमाचल हिमालय, और जो कश्मीर में है उसे कश्मीर हिमालय कहा गया। इसी तरीके से सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय आता है, ठीक है। फिर काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय पाया जाता है, फिर तिस्ता और दिबांग के बीच में असम हिमालय पाया जाता है, ठीक है। आगे हम जानते हैं पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग कौन कौन से भाग हैं, पर्वतीय मैदानी भाग, मैदानी भाग 2 तरह का, पहला तो पाया जाता है उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा का मैदान है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र के बाद आता है सिंधु का मैदान। सिंधु का अधिकतर भाग कहाँ है, अधिकतर भाग सिंधु का पाकिस्तान के में चला गया है, ठीक है। तो आगे हम इस प्रकार से जानते हैं, आगे हम हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर के बारे में जानते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, ठीक है। कंचनजुंगा भारत में है, इसकी ऊंचाई 8598 है। मेकालू नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8481। धौलागिरी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8172 किलोमीटर है। नंगा पर्वत भारत में है, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। फिर आता है अन्नपूर्णा नेपाल में, इसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। फिर नंदा देवी भारत में, इसकी ऊंचाई 7870 है। कामेट भारत में, इसकी ऊंचाई 7756 है। नामचा बरुआ भारत में, इसकी ऊंचाई 7756 पे। गयोला माइधाता नेपाल में, इसकी ऊंचाई 7728 है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अब हम इनको कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, इसी के चलते भी कौन सी चीज कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं भारत का स्वरूप 6 भागों में बांटा गया, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पहला भाग हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, हम बता चुके हैं कौन कौन से इसके भाग हैं। ट्रांस हिमालय जो भारत के बाहर है, उसके बाद आता है वृहद, वृहद के बाद लघु, लघु के बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद धौलाधार पर्वत आता है, ठीक है। आगे हम इस प्रकार से पूरा ही इसको समझेंगे। फिर आता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान 3 भागों में बटा है। पहला आता है सिंधु, सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान जो कि पश्चिम में है, वो आधा भाग उसका नेपाल में चल गया। पंजाब, पंजाब को 2 नदियों के आपको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं, इसलिए पंजाब, पंजाब को 5 नदियों का आब है, इसलिए उसे
पंजाब बोलते हैं, फिर प्रायद्वीपी पठारी जिसे दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। ये हमारा मेडागास्कर से टूटकर इधर की ओर आया था, जिससे यहाँ पे ये पठार बन गया। अरब सागर में उठे ज्वालामुखी उद्गार से इसका जन्म हो गया। ठीक है, उसके बाद है तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश तो आप जानते हैं, दो प्रदेश है, पश्चिमी प्रदेश और उत्तरी। पश्चिमी तटीय प्रदेश और पश्चिमी तटीय प्रदेश जो है हमारा टूटा टूटा फूटा है, उसमें थोड़ी सी दरारें पाई जाती हैं, पर जबकि पूर्वी प्रदेश हमारा बिल्कुल सटीक सीधा हुआ बना है। ठीक है, आगे हम जाते हैं। नहीं, पूर्वी प्रदेश हमारा टूटा फूटा है, जबकि पश्चिमी प्रदेश हमारा सटीक पूरा बना हुआ है। ठीक है, मरुस्थल, इसीलिए इधर इस तरफ की नदियाँ ज़्यादा, इधर इस तरफ नदियाँ ज़्यादा मुहाना है। ठीक है, आगे जाते हैं। मरुस्थल, मरुस्थल हमारे यहाँ पे राजस्थान और गुजरात के कुछ जिलों में पाया जाता है। नामचा बरुआ की ऊंचाई, ये देखिए नामचा बरुआ इसकी ऊंचाई कितनी, 1756 मीटर है। कंचनजंगा, इसके इस लाइन से पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ नाम दिए गए हैं। नामचा बरुआ हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग इसका नंगा पर्वत है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ऊंचाई पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर नामचा बरुआ आता है। नामचा बरुआ के बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद कैलाश, कैलाश के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद नंगा पर्वत। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हिमालय का भाग, हिमालय यहाँ अर्धवृत्त का निर्माण करता है। हम अभी जानते थे ऐसे करके जाते हैं सारे इसके, तो इसे अर्धवृत्त का निर्माण कर, इसकी चौड़ाई कश्मीर में कितनी है, 400 किलोमीटर। चौड़ाई का मतलब कितना, कितनी चौड़ी जगह पे ये घेरा हुआ है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश में, इसकी ऊंचाई 150 किलोमीटर। इससे हमको पता लगता है कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर सुगुड़ता हुआ जाता है। फिर आता है पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, या युवा वलित मोरदाल पर्वत है। इसकी कुल लंबाई कितनी, 2400 किलोमीटर है। ठीक है, आगे हम जानते हैं निम्न हिमालय। निम्न हिमालय बृहद हिमालय, बृहद हिमालय आता है, उसके बाद आता है निम्न हिमालय, लघु हिमालय। इसकी ऊंचाई है 2700 से 4500 मीटर तथा चौड़ाई है 50 मीटर। इसका निर्माण अत्यधिक सेमी पीरियड तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है। फिर आता है शिवालिक हिमालय, इसकी ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर ऊंचाई तथा चौड़ाई इसकी 10 से 50 किलोमीटर। नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से उसका निर्माण होता है। निम्न तथा शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। जैसे हमने आप बहुत से दूनों के नाम सुने, जैसे देहरादून होगा, कोटली दून होगा, पाटली दून होगा। हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटी के अनुसार सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। आगे चलते हैं, इससे श्रेणियां कौन सी पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद धौलाधार पर्वत पाया जाता है। उत्तर मैदान, लद्दाख वर्षा के गिरिपदों में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जड़ोड़ों का निक्षेप हुआ, उससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। कुल मिला कैसे समझते हैं कि पर्वत पर्वत द्वारा लाई गई काटी गई मिट्टी को जब वो सीधे समतल इलाके में पड़ती है, तो उससे क्या होता है, मैदान का निर्माण हो जाता है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका चौड़ाई, इसकी चौड़ाई जो है 240 से 320, तथा लंबाई 2400 किलोमीटर लंबे है। दो आप पाए जाते हैं, दो आपका मतलब आप बता चुके हैं, दो नदियों के आप, यानी दो नदियों से बने मैदान, दो दो नदियाँ पाई जाती हैं, तो इनके बीच के इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ पाया जाता है। पंजाब को में 5 नदियां पाई जाती हैं, तो इसलिए इसे पंजाब पंजाब बोलते हैं। पहले इसमें 5 नदियां पाई जाती थी, परंतु अब इसमें 3 नदियां ही पाई जाती हैं। मैदानों का 4 भागों में बांटा गया, कौन सा, भाबर। भाबर का मतलब क्या होता है, ऐसे ही ऐसे स्थान जहाँ पर क्या है, नदियाँ बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, नदियाँ बिल्कुल नहीं दिखती हैं। ये ऐसे पर कंकीले पत्थर होते हैं जिनके नीचे से नदियाँ बहती हैं। फिर आता है तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में नदियाँ फिर से उभर आती हैं। ठीक है, फिर उसका जलोढ़, जलोढ़ को 2 भागों में बांटा गया है, इसकी मिट्टी के आधार पर। खादर मिट्टी क्या होती है, खादर मिट्टी जो होती है नई बनी मिट्टी खादर होती है। जैसे कि जहाँ बाढ़ का पानी तक जाता है, अभी तक जाता है, उसको कहते हैं जलोढ़ बोलते हैं। या ज़्यादा एक उपजाऊ होता है बांगर, जिसमें इसकी ये कम उपजाऊ हो, इसकी तुलना में कम हो जाए, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं जाता है। आगे तो हम बता चुके हैं आपको ये कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनको भी जान लेते हैं। नामचा बरुआ, नामचा बरुआ के कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद कामेत, कामेत के बाद कैलाश, केवल कैलाश के बाद शिवालिक, शिवालिक के बाद इस साइड में। ठीक है, इस तरीके से। और हम जान लेते हैं जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के उत्तर में हिंदुकुश पर्वत पाया जाता है, और इसके नहीं, पश्चिम में इसके हिंदुकुश पर्वत पाया जाता है, और उत्तर में इसके पामीर नॉट पाया जाता है, पामीर का पठार पाया जाता है। ठीक है, गोरा खासी जयंतिया भी इसी के कुछ भाग है। अंडमान निकोबार निकोबार द्वीप है, जो भी इसी का भाग है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। आगे क्लासों में हम इसके पठारों के नाम तथा बहुत ही आसानी ट्रिक से जानेंगे। मैदान में अभी हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे की क्लास बहुत ही अच्छी होगी। तो